बाजी, यही मेरे ख्याल से कोर स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक टीम को आगे बढ़ने के लिए। लगातार अगर आप यंगस्टर्स को बैक करते रहे, उन्हें कहते रहे कि भाई आप इस कोर का हिस्सा हो, साल ब साल वही फीस देते रहे, कहीं हम आपको अगर खिलाए भी ना, लेकिन आप इस टीम का हिस्सा हो, तो वो अपनी टीम अपनी परफॉर्मेंस में भी जान लगा देते हैं। और ये देखने को मिल रहा है कि रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में भी जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है, खासतौर इन दो खिलाड़ियों ने, भाई उसकी टीम को जीत को दर्शाया। बिल्कुल सैम, बिल्कुल। और मुंबई टीम जानी जाती है वो प्लेयर बनाती है जी, वो ऐसे प्लेयरों को लेके आती है जो डोमेस्टिक में लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, उनको कोई नहीं जानता, सडनली उनको वो लेके आती है, वो मुंबई इंडियन का प्लेटफॉर्म देती है, चाहे वो पांड्या ब्रदर्स हों, चाहे वो बुमराह हों, चाहे वो ईशान किशन हो, इन सबको मुंबई ने एक्चुअली प्लेयर बनाया है, इनको चांस दे दे के खिला खिला के ये प्लेयर बने और आज ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मैच विनरों के तौर पर, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हों, ईशान किशन हों, या पांड्या ब्रदर हों, या बुमराह हों। तो मुझे बड़ी खुशी है कि एक ऐसी टीम है जो युवा खिलाड़ियों को ढूंढ कर लाती है, टैलेंट को ढूंढ कर लाती है और उन्हें एक प्लेटफॉर्म देती है कि आइए हम आपको बैक करेंगे, आप खेलिए, अगर आप में प्रतिभा है और आप परफॉर्म कर सकते हो तो मुंबई इंडियंस से बेहतर टीम कोई नहीं है खेलने के लिए। तो मैं बड़ा खुश हूँ मुंबई इंडियन के इस चीज़ को देख कर कि वो यंगस्टर्स को बैक करती है और उन्हें लाती है, खिलाती है। बाकी और टीमें मैंने इतना देखा, राजस्थान एक और टीम ऐसी है जो डोमेस्टिक प्लेयर डोमेस्टिक सर्किट में घूमते हैं, उनके कोचेज और वो भी डोमेस्टिक के प्लेयरों को लेकर आते हैं, उन प्लेयरों को जिनको शायद कोई नहीं खिलाना चाहता, चाहे वो तेवतिया जैसे हो, या अर्ली डेज की मैं बात करूँ तो संजू सैमसन को भी वो लेके आए, पठान को लेके आए, रविंदर जडेजा को वो लेके आए। तो बहुत सारे खिलाड़ियों को उन्होंने टैलेंट आइडेंटिफाई किया, उनको मौका दिया खेलने का और आज वो प्लेयर शायद दूसरी टीमों में जरूर खेले और बहुत नाम कमाया। तो ये ईशान किशन और सूर्य कुमार दो ऐसे स्तंभ हैं इस समय मुंबई के बैटिंग लाइनअप के कि ये चलते हैं तो शायद उनका मैच जीतना तय हो जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर पोलार्ड आएंगे, दो पांड्या ब्रदर आएंगे, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, तो कुल मिलाकर इन पे भी वो दबाव नहीं होता कि अगर आउट हो गए तो क्या होगा। सबसे ज्यादा बड़ा सवाल ये आता है ना कि अगर आप जा रहे हो और अपना नेचुरल गेम खेलना चाहते हो, बट आपके माइंड में ये भी है अगर यार मैं आउट होगा तो पीछे कोई नहीं है, जैसा बैकडोर के साथ होता है, एबीडी और विराट कोहली जब बैटिंग करते होंगे उनके माइंड में ये भी है अगर वो आउट हो गए तो उनके बाद कोई नहीं है रन बनाने, तो उनकी हार निश्चित है, तो वो दबाव अलग होता है। बट इन दोनों पे एटलीस्ट वो दबाव नहीं, इनको मालूम है कि भी पोलार्ड आएंगे, फिर हार्दिक आएंगे, फिर करुणाल आएंगे, तो हम लोग अपनी बैटिंग फ्रीली कर सकते हैं और उस फ्रीडम में ही इनको बहुत कुछ मिलता है रन बनाने का, तो वो रिस्क ले सकते हैं।